गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज का ये जो वीडियो है ये एक क्लास रिकॉर्डिंग है और ये क्लास जो अपनी हुई थी कल के दिन यानी कि 11 फरवरी 2023 को, और ये वीडियो हम पब्लिश कर रहे हैं आज 12 फरवरी 2023 को। कल की क्लास में हमने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर मार्किंग किस तरह से की जाती है और कैसे इसके थ्रू हम लोग अपने सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस लाइन पुटअप कर सकते हैं, अपने इंट्राडे सेशंस को और कितना मजबूत बना सकते हैं। इससे ऑर्डर ब्लॉक हमने समझाया है बिना किसी ऑर्डर ब्लॉक का नाम लिए। ये सिर्फ हमने इसीलिए किया था कि जब हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या ये फलाना है ये ढिमकाना है तो सुनने में ही लगता है कि बड़ा वजनी नाम है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ होगा या ये होगा वो होगा। एकदम सिंपल वे में, बिल्कुल ईजी वे में हमने ऑर्डर ब्लॉक समझाया, और बिल्कुल भी ये समझ करके वीडियो मत देखना आप कि बहुत कठिन है या कैसा क्या है, क्योंकि एक कैंडल है जिसकी मार्किंग जब आप कर लोगे ना, अभी देखिएगा ये रनिंग मार्केट थी जीआरटी की, सो इसके ऊपर ही हमने मार्किंग की है और नेक्स्ट डे के लिए प्रोजेक्ट हमने दिया था। ये जो क्लिप है ये क्लास होने के एक दिन बाद हम कर रहे हैं, तो आप चाहो तो जीआरटी यूएसडीटी का चार्ट उठा करके देख लीजिएगा कि इसके ऊपर हुआ क्या है, तो इसका एक लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो पूरी वीडियो ये क्लास रिकॉर्डिंग है और मे बी हम इसके अंदर किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें पॉज भी हों, बड़े बड़े पॉज हों, क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स के साथ सारे। ओके, सो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। कुछ चीज़ें हमने बताई हैं आप लोगों को शुरुआत से लेकर के अब तक। इन जनरल प्राइस की रीडिंग से स्टार्ट करेंगे आज, मतलब एक सेकेंड, नहीं ये शायद वॉच का अलार्म सुनाई नहीं पड़ रहा था, वॉच में शायद वॉच में लग गया था। इन जनरल प्राइस की रीडिंग मतलब कि आपकी ओवरऑल जब प्राइस को हम लोग रीड करना चाह रहे हैं, है ना, प्राइस को पढ़ना चाह रहे हैं, तो कहाँ से क्या कैसे करके स्टार्ट करेंगे और किस तरह से इसकी रीडिंग होगी। बेसिकली कोई भी चार्ट अप उठा लो, जैसे अभी का इस वक्त की रनिंग मार्केट जो है वो जीआरटी यूएसडीटी का चार्ट हम लोगों ने ले रखा है बिनांस का। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए हमें इसको पढ़ना है। सबसे पहले तो कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, आप कुछ कोट्स हैं उनको बैठा लो, क्योंकि हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो कुछ सिंपल सिंपल से कोट्स हैं, जैसे जो भी चीज, जो स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिख रहे हैं वही हमको दिख रहे हैं, वही तीसरे को भी दिख रहे हैं और वही चौथे को भी दिख रहे हैं, तो मतलब कि आप गलत देख रहे हो, समझ रहे ना। जो दूसरा भी देख सकता है वो आप देख रहे हो, मतलब आप गलत देख रहे हो। हमेशा एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करो। हमें मालूम है कि प्राइस का ये एक लेवल है, प्राइस ऊपर निकलेगा ऊपर चला जाएगा, ये तो हम भी देख रहे हैं ना, प्राइस ऊपर निकलेगा ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये स्टॉप लॉस खाने की जगह है, चाहे जितनी लिक्विडिटी हो स्टॉप लॉस चला जाएगा बेटा, प्राइस नीचे आएगा लेगा स्टॉप लॉस और फिर यहां से ऊपर निकलेगा। ये कुछ चीजें हैं, देखिए जितनी आसानी से हम आपको बोल दे रहे हैं, जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप सुन रहे हो ना, एक्चुअली इसको देखना, रिकॉग्नाइज करना, इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना इतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी इसमें परफेक्ट हैं, नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि हाँ ऐसा होता है, तो जहां पर भी हमें शक होगा ना चार्ट के ऊपर, चार्ट को देख करके शक होगा, हम वहां पर अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, तो मे भी हो सकता है 10 बार अगर इस तरह के प्राइस स्ट्रक्चर्स बने तो 10 में से हो सकता है 3 या 4 बार हम बच जाए, इससे 5 बार हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, और स्टॉप लॉस जाने के बाद हमको समझ में कि ये खेल हुआ है मेरे साथ। इस गुमान में मत रहना है कि अब ये आपको मालूम पड़ गया तो अब इस तरह से आपके स्टॉप लॉस बचेंगे, नहीं, स्टॉप लॉस आप बचा ही नहीं सकते। यही बहुत है कि एसएल जाने के बाद में आपको पता चल जाए कि अच्छा गया क्यों, इससे होगा क्या ना कि जब आप कल ट्रेड मारोगे, जब आप कल ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो आज जिस तरह का ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया ना आपको मालूम रहेगा कि हाँ कल गड़बड़ हो, इस तरह की गलती हम वो नहीं करेंगे जो हमने आज की, तो ट्रेड मारने से हो सकता है आप उसको देखो ट्रेड मारने से पहले। दूसरी चीज, स्टॉक कभी भी नीचे की तरफ गिरेगा ना
ऐसे ये नीचे की दिशा में आएगा, फिर ये ऊपर 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 इस तरह का मूव दिखाएगा। अभी जो बात हमने आपको बताई कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये सब देख रहे हैं कि आपका ये कोई डे टाइम फ्रेम का लेवल है या ये कोई आपका डे टाइम फ्रेम का लेवल है। ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि प्राइस हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ऐसे करके ये नीचे की दिशा तक आया है, यहाँ पर सपोर्ट है, हम देख रहे हैं। ओके, कोई तो है टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पर जो कि ये देख रहा है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ हम शॉर्ट करते हुए लेकर के आ रहे हैं, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं प्राइस को नीचे की तरफ गिरा करके ला रहे हैं, प्राइस एक सपोर्ट पर आकर के खड़ा हो गया है। अब जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि प्राइस ने जैसे ही हमारे इस सपोर्ट पर आ जाने के बाद में जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ये यहाँ से बाई कर लेगा, जैसे ही बाई करे ना इसका स्टॉप लॉस लो और वापस से प्राइस नीचे की तरफ गिरा दो, उसकी जेब में पैसा चला जाएगा। यही तो गेम होता है ना, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे ये सब। टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ, जितना भी आपको चार्ट को समझने का जो एक्सपीरियंस है, जिस भी तरह से आप चार्ट को समझ रहे हो ना, वो सारी चीजें एक तरफ, आपने इंडिकेटर लगा लिया, कोई आपने ट्रेंड रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए ना, कुल मिलाकर के जितनी भी आपकी तैयारी है वो सब एक तरफ, लेकिन एक तिरछी निगाह हमेशा रखना, थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करो। फिजिकली मार्केट में जब हम लोग जाए फिजिकली जैसे होता है ना चालाक, उस तरह की चालाकी मार्केट में करने की कोशिश करो। अच्छा, चालाकी दूसरा हो गया, ओवर स्मार्ट बनना ये दूसरी चीज हो गई, तब आप बुरी तरह से गिर जाओगे। ये चीज मालूम होनी चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले हमारा टेक्निकल फाइनल हो जाए, टेक्निकली हम ट्रेड्स भी करने लग जाएं, टेक्निकली हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, उसके बाद में एक स्टेप और आगे जाना होगा हम लोगों को। अभी एक्यूरेसी इंक्रीज करने का टाइम है, तो इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी चालाकी चार्ट्स के ऊपर दिखानी होगी। कई बार होगा हम बोल देंगे आपसे कि प्राइस के नीचे ब्रेक होगा, वो नीचे निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस जैसे ही हमारा इस सपोर्ट के नीचे आया, जैसे ही आया इस सपोर्ट के नीचे, हम ट्रेड मार देंगे। लेकिन जैसे यहां पर आया ना प्राइस, हो सकता है एक एक कोई ट्रेड ऐसा हो कि जिसमें प्राइस नीचे की तरफ निकले और हम ट्रेड ही ना मारे, हम नहीं मारेंगे ट्रेड, हमें मालूम है, मतलब हमें लग रहा है कि इस जगह पर एसएल जा सकता है, प्राइस ब्रेकआउट दिखाएगा इस तरह से और यहां से फिर ऊपर चला जाएगा। बन जाने के बाद देखिएगा, अच्छा ये तो डबल टॉप था, डबल बॉटम था, सॉरी ये डबल बॉटम बना करके ऊपर गया, ये चल जाने के बाद बहुत अच्छे समझ में आता है डबल टॉप डबल बॉटम बन गया। रनिंग मार्केट में आप करके दिखाओ, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी अच्छी तरह से हम लोग प्राइस को रीड कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, टेक्निकली आप चाहे जितने भी परफेक्ट हो जाओ, चाहे जितने भी प्रोफेशनल आप हो जाओ, एक चीज हमेशा आपको एड ऑन करके रखनी होगी, वो है आपकी चालाकी, देखना होगा। हमें मालूम है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस के ऊपर जाएगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर चला गया, ये तो एक टेक्निकल एनालिस्ट हो गया। इसके आगे जब आप एक एज अ ट्रेडर सोचते हो, तो ट्रेडर क्या होता है ना, उसको टेक्निकल में भी परफेक्ट है, वो साइकोलॉजी में भी परफेक्ट है, वो चार्ट के जरिए सामने वाले की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। प्राइस ऊपर जाएगा, यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइंग करेंगे, आप करो बाई, यहां से उसने सेल का सौदा लगा रखा है, प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये मान के चलिए इंटरमीडिएट लेवल है, बहुत आगे चल करके आपको इसके ऊपर जाना होगा। तब तक इस तरह के ट्रैप से आप बचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इसके पहले के कई सारे ट्रैप्स हैं जिसको कि आपको पार करना है, सब कुछ छोड़ करके नहीं, अब तो हमें यही करना है, तो आप गिर जाओगे। काफी एक तरह से बोल सकते हो डीप चीजें हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन आपको करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, ना इसके ऊपर कोई बात करेगा, ना हो सकता है आप भी इसके ऊपर ना सोचो, लेकिन ये कुछ डार्क बोल सकते हैं ट्रूथ है ना, डार्क ट्रूथ बोलना ठीक रहेगा, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं आपको समझाई ही नहीं जाएंगे। बुक्स वगैरह में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इंटर में पढ़ाया जाता है, फिर हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल मार्केट में जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या हाई स्कूल के सवाल पूछे जाते हैं हमसे? वो सवाल तो कहीं कहीं काम भी नहीं आते हैं।
सेम चीज़ है, आप टेक्निकल सीख लो, आप यहाँ पर ये भी सीख लो, सब कुछ सीख लो, वो आपको ट्रेड करने का तरीका बता देंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे तो सबसे बड़ा, सबसे पहली चीज जिससे कि आपको निपटना होगा, वो होते हैं ट्रैप्स, और यहीं पर मार खाते हैं सब लोग। तो कोशिश ट्रैप से बचने की, शुरुआत में ट्रैप से नहीं बचना है, शुरुआत में तो ट्रैप हो जाओ, और ट्रैप हो जाओ इस बीच में ऐसा क्या करना है कि हम ट्रैप हो रहे हैं, कि जितनी भी आपकी टेक्निक्स है ना, उनको स्ट्रांग बनाते रहना, स्ट्रांग बनाते रहना, स्ट्रांग बनाते रहना। एक बार टेक्निक्स अपने हाथ में आ गई ना, फिर हम ट्रिक्स यूज करेंगे। इसके बारे में सोचिएगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, ऐसे कुछ परिभाषा नहीं इसकी कि हम एक लाइन में आपको बोल दें और समझ में आ जाए। ये कुछ लाइंस हैं, इनके ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। प्राइस अगर नीचे निकला, देखिएगा, अगर प्राइस नीचे निकला, सबसे पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, और तीसरा सपोर्ट ये है, नीचे ही जाएगा। सेकेंड चीज, ये तो सब लोग देख रहे होंगे ना, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, खाली अपनी कुछ दो तीन चार लाइनें ही तो मार दी हैं, बाकी एक जोन बना दिया, हायर हाई लोअर लो, लोअर लो हायर हाई, क्या हो जाता है इससे? ये तो सब लोग देख रहे हैं, प्राइस का एक सपोर्ट एरिया है यहाँ 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 नीचे। असल में मालूम है क्या होगा, यहां से प्राइस के अंदर मूव आएगा अपसाइड की तरफ, ये दिखाएगा हम लोगों को पहले हम नीचे गिर गए, और फिर ये यहां से ऊपर की तरफ भाग जाएगा। जीआरटी यूएसडीटी, इसका चार्ट लगा करके रख लीजिएगा, हो सकता है अपनी इस क्लास के दौरान यहां पर मूव आपको देखने को ना मिले, कल 12 बजे तक इसके अंदर आपको मूव देखने को मिल जाएगा। और जिनको नहीं मालूम है, वैसे सभी लोगों को मालूम होगा कि चार्ट बंद नहीं होता, ये चलता रहेगा, परमानेंट चलता रहता है। अगर ये नीचे की तरफ निकला तो पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस आपका नीचे की दिशा में निकल जाएगा और सपोर्ट एरियाज हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ देखेगा, एक अच्छा मूव दिखाएगा, और जितने ट्रेंड्स हैं आपके, किस तरह से ट्रैप, कैसे ट्रैप होगा, देखिए ये है ना कुछ, और ये आपके सपोर्ट्स हैं, मे बी यहीं से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ टर्न हो जाए। और गलती से भी अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो एक बार आपका स्टॉप लॉस लेगा, ब्रेकआउट हो जाने के बाद में वापस प्राइस आपके नीचे आएगा और सन से ऊपर निकलेगा। वॉच करना है इसको, ये नहीं है हम डेड चार्ट्स के ऊपर हम कुछ भी आपको ना समझा रहे नहीं बता रहे हैं, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, जो होने वाला है उसके ऊपर नजरें गड़ा के रखना, क्या हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, ये जो नीचे लाइन हमने ड्रॉ कर दी ना, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं कि अगर इनके नीचे मार्केट निकली, फिर मुश्किल हो जाएगा इसका ऊपर जाना, फिर हो सकता है कि सबसे पहला सपोर्ट ये यहां तक आ जाए, गिरेगा तो फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज हमको इतनी ज्यादा लग रही हैं इसकी, मतलब अपसाइड की तरफ की पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही हैं, और जाने से पहले मे भी आपका स्टॉप लॉस ले, ऊपर की तरफ जाए, इस तरह से करके स्टॉप लॉस लेगा, ये प्राइस एक्शंस बनेंगे इसके अंदर, नोट करके रख लीजिए इस चीज को, और देखिएगा होता क्या है। एक 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 वो जो माइंडसेट हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, स्टॉप लॉस कैसे लिए जाते हैं, अगर हमें स्टॉप लॉस लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, सोचना है इसके ऊपर। मार्केट में मालूम है क्या होता है, आप इतना उलझा के रखा हुआ है, ये आपका सबसे पहले तो नॉलेज की है कमी, एक सही नॉलेज नहीं है पूरी मार्केट में, आप कहीं पर भी छान मारो आपको सही अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी, आप लाखों रुपए खत्म कर दो, पढ़ने पढ़ाने लायक कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, चले जाओ आपको जहां जाना है। उसके बाद से कहीं पर अगर हमें पढ़ने के लिए कुछ मिलता है भी, तो क्या पढ़ने को मिलेगा मालूम है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड क्या बोलते हैं वो, हेड एंड शोल्डर है ना, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग, ये सब ये पढ़ाई होती है मार्केट को लेकर के। एक्चुअल मार्केट इससे बहुत ऊपर चलती है ना। कोशिश करो कि जो चीज आप देख रहे हो उस चीज के ऊपर बिलीव हो, और ये देखो कि स्टॉप लॉस कहां से जाएगा, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो वो कैसे जा सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये देखने की कोशिश किया करो।
है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा आपका, और जो पैटर्न्स हम आपको बता रहे हैं, जो सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, जो फॉर्मेशंस हम आपको बता रहे हैं, उन फॉर्मेशंस की जी जान लगा करके प्रैक्टिस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, ये कहां से और कैसे ड्रॉ की हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज देखिएगा कि मार्केट यहां पर कर क्या रही है, करना क्या चाह रही है। ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो ना, एक ये तो एक ये वाली जो कैंडल होगी अपनी ये, और दूसरा ये ब्लू लाइन। अभी तो सपोर्ट जो लिया जा रहा है वो यहां पर लिया जा रहा है, मेन लाइन हमारी है ये ब्लू वाली लाइन। मार्केट ने अगर इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे, तो फिर इसका मूवमेंट आप देख लेना नीचे की तरफ होगा। जब तक ये ब्लू वाली लाइन को नहीं तोड़ रहे हो, ब्लैक वाली लाइन से सपोर्ट ले रही है, ये साइडवे ही रहेगी, इसके अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। ये इस तरह से मूवमेंट आपको दिखाती रहेगी ऐसे करते हुए, स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर। मतलब अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो मे भी हो सकता है कि प्राइस आपका यहां से ऊपर की तरफ ही नहीं जा गई है, फिर इसका मूव आपको डाउन ही दिखेगा, है ना। अदरवाइज अभी फिर से हम आपको बोल रहे हैं पॉसिबिलिटीज हमको लग रहे हैं कि प्राइस देख लेना आपका यहां पर ऐसे लेगा, ये मूव होगा, है ना। अपसाइड का मूवमेंट हमको ज्यादा लग रहा है, और नीचे के ये सारे आपके सपोर्ट्स हैं। गिरा तो 1, 2, 3, ये 3 सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है। ऐसे करके आप मार्केट को देखोगे। चलिए अब ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है, इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या ड्रॉ की, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, और किस तरह से मार्किंग करेंगे हम लोग अदर चार्ट्स के ऊपर। तो सबको हटा देते हैं। देखिए हाईज 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 हाई, या फिर लो, ऐसे करके मार्केट गिरती है ना। यहां पर कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ये वाले इसका जस्ट वाइस वर्सा आप कर दो कि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ये वाले। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये और फिर ये गिर गया। ओके, अगेन यहां से मूवमेंट अपसाइड की तरफ, फिर ये गिर गया। ओके, फिर से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ, फिर से गिर गया। ओके, एक चीज देखिएगा, प्राइस जब आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जब गिर रहा है, तो ये जो इसकी कैंडल्स बन गई हैं, ये रेड कैंडल्स बन रही हैं, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो ये रेड कैंडल्स ही तो बनेंगी ना, ये रेड कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, अगेन जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, तो आपकी ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो गई, ये सॉरी ये सारी आपकी ग्रीन कैंडल्स बन गई ये। और इसके बाद में फिर जब आपका प्राइस नीचे की तरफ आया, तो फिर से इसने क्या किया, रेड कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या है ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ऊपर और नीचे, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस नीचे की दिशा में जब जा रहा है ना यहां पर, तो देखिएगा गिरने से पहले सबसे लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी फॉर्म हुई है। प्राइस जब हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है, सबसे लास्ट बियरिश कैंडल कौन सी फॉर्म हुई है। प्राइस हमारा ऊपर से नीचे की दिशा में गिरा है ना, यहां पर हमारे लिए जो सबसे बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट ने फिर यहां से मूवमेंट जो हमें दिखाया वो नीचे की तरफ दिखा दिया, इस तरह से करते मार्केट नीचे गिर गए।
और गिरते गिरते में इसने सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल बनाई है मेरे लिए, ये वाली कैंडल थी। यहां पर अप में जाते हुए प्राइस ने जो हमारे लिए सबसे लास्ट कैंडल फॉर्म की है, बियरिश कैंडल, ये वाली थी। समझ रहे हैं ना? ये होते हैं कुछ कैंडल्स के इंपॉर्टेंस। लोअर टाइम फ्रेम पर हम इस इन कैंडल्स को देखते हैं और हायर टाइम फ्रेम, दोनों ही टाइम फ्रेम्स पर इसको देखते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है क्योंकि क्रिप्टो का चार्ट है ये। यहां पर मार्किंग देखिए हमने क्या की है। देखिए एक तो ये रेड कैंडल, आंसर शायद आपको मिल गया होगा, ये आपकी रेड कैंडल है, यहां तक। और इसके बाद से फिर प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया है क्योंकि अप मूव है, तो सबसे लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी होगी मेरी, ये वाली, कि इस कैंडल में सबसे लास्ट सेलिंग के ऑर्डर्स पड़े हुए थे और यहां पर सेलिंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देने के बाद में मार्केट सीधे फिर ऊपर की तरफ चली गई और यहां पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे, है ना, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, प्राइस यहां से सीधे हमारा ऊपर चला गया। ओके, अब मूवमेंट तो हो गया, अब क्या करें। देखिए जब ये कैंडल बन गई थी ना अपनी, ये वाली कैंडल, आप एक काम करो, इस रेड वाली कैंडल का लो इवन हाई, लो या हाई दोनों आप मार्क कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, ये जो जोन बनता है ना, दो चीजें होती हैं, ये जो जोन बनता है ये पूरा का पूरा जोन आपका एक सपोर्ट जोन होता है। देखिए ये पूरा जोन आपका सपोर्ट जोन होता है, इसको आप चाहो तो स्ट्रेच कर दो आगे की तरफ। इसके अलावा अगर आप चाहो लो या फिर हाई मार्क करना तो वो भी कर सकते हो। सबसे अच्छा रहता है कैंडल का हाई एंड लो दोनों मार्क करो। कंपैरिजन अगर हम करेंगे, लो मार्क करें, हाई मार्क करें, क्या मार्क करें ना, आप दोनों चीजें मार्क करो। लेकिन आगे चल करके हम आपकी, अभी तो फिलहाल जो आप लोगों को इस वीक हम काम करवाएंगे वो हाई एंड लोज दोनों पर करवाएंगे, और आगे चल करके एक लाइन हम कर देंगे फिल्टर। अब वो हाई की लाइन फिल्टर होगी या लो की लाइन फिल्टर होगी ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीक, अभी नहीं, कल कुछ और चीजें बताएंगे क्लास के अंदर। आज की क्लास में आपको क्या करना होगा, आज जो हमने बात बताई आपको, इन दो लाइंस को देखना, मार्किंग करना, प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, और कोशिश करना रनिंग मार्केट में ही इसकी प्रैक्टिस करना। स्टॉक्स के ऊपर करना है तो फिर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रीफर, मतलब हम लोग उतना बिलीव नहीं करते डेट चार्ट्स और बैक टेस्ट के ऊपर। अब क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है आपका, तो करना बैक टेस्ट, टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है। हाईज एंड लोज दोनों मार्क करना और देखना कि क्या क्या मूवमेंट मिलता है आपको, मतलब कि क्या ये एक सही सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस ये बना के दे रही है या नहीं दे रही है। अगर हम इन फ्यूचर आपसे बोले कि ऐसा है अनवर, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके हमें दिखाओ, तो क्या आप इसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। ये लाइन हो गई, इसके बाद में फिर देखिए प्राइस हमारा नीचे की दिशा में आया, यहां पर आया और यहां से फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ गया। हमने क्या किया, अप मूव में जाते हुए प्राइस ने जो सबसे पहली, सबसे लास्ट जो बियरिश कैंडल थी, हमने जस्ट उसका लो मार्क कर रखा है। फिर प्राइस हमारा ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर क्या किया इसने, नीचे का मूव दिखाया, क्या मार्क किया है, सबसे लास्ट बुलिश कैंडल का लो हमने जस्ट मार्क किया हुआ है, प्राइस हमारा नीचे गिर गया। अब यहां से प्राइस हमारा अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, क्या मार्क किया हुआ है हमने, एक बेरिश कैंडल का जस्ट लो मार्क किया है, यानी कि रेड कैंडल का लो, ये सपोर्ट है। प्राइस जब तक इस रेड कैंडल को नहीं तोड़ेगा वो नीचे गिर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, गिरेगा ही नहीं। इस रेड कैंडल के नीचे से सपोर्ट के ब्रेकआउट करने होंगे, अपना पूरा मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट नीचे गिरेगी आपके।
मार्क कर लो। फिर से प्राइस देखिए आपका ऊपर की तरफ गया है, लो हाई क्या मार्क हुआ है, बियरिश कैंडल, उसका लो मार्क करो। ठीक है, यहां पर क्या है, अभी जो मार्केट आपका सपोर्ट ले रही है क्या वो इस ग्रीन वाली कैंडल के जस्ट लो पर सपोर्ट ले रही है? अभी जो चीज हमने बताई है, मुश्किल है ना प्राइस का नीचे की तरफ का मूव दिखाना, क्योंकि मालूम है ये जो रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल अगर इसे नीचे जाना है तो बिना इस रेड वाली कैंडल को क्रॉस किए ये आज जाने वाला है नहीं कहीं। जब तक ये इस रेड वाली कैंडल की जोन में है, मतलब इसके ऊपर खतरा है, ये रॉकेट बन जाएगा। कोशिश करो, देखो ये सारी मार्किंग्स बता देना, हम मालूम है आप लोगों को हम इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं। अब आप चाहो तो जब हम आपसे कुछ कुछ बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, तो उस टाइम को आप या तो हवा में उड़ा दो या मन में ये सोच लो क्या यार प्रैक्टिस 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 कुछ बता नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चल रही है, या तो इस तरह की थिंकिंग रख करके सारा टाइम कर दो वेस्ट। लास्ट में जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कराएंगे तब आप बोलोगे सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे हो गया। और वहीं देखोगे जो आपका दूसरा क्लासमेट है, अभी इससे पहले हम ट्रेड डिस्कशन अपना कर रहे थे, जो इसके पहले की जो क्लास है उसमें ट्रेड डिस्कशन हो रहा है, सेम बैच सेम चीजें जो हमने अनवर को पढ़ाई हैं, सेम चीजें हमने सेम चीज हमने एकलव्य को पढ़ाई और सेम चीज हमने पंकज को पढ़ाई, और भी कई सारे नाम है, मतलब ये तीन नाम कंपैरिजन देखिए। अनवर ने टोटल ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं 5, एसएल गए हैं 4, एकलव्य ने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं 5, एसएल गए हैं 4, पंकज जी ने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं 11, एसएल गए हैं 3। पंकज को हमने अलग से क्लास दी है कोई? गजेन जी ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, गोविंद जी ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, है ना, धवल ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 1 एसएल गया, 6 ट्रेड मारे थे, 1 एसएल गया है धवल का, 5 में प्रॉफिट लेकर के निकले हैं बाहर। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि ये अनवर एकलव्य ये उस कैटेगरी के हैं, जब हमने इनसे कहा कि प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस ये ट्रेड एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस तरह की माइंड, इस तरह का माइंडसेट, टाइम वेस्ट करो आप टाइम वेस्ट। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम होगी ना, ये जो छोटी छोटी चीज के ऊपर हम आपको पूरा पूरा वीक दे रहे हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, आप लिखवा लो इस बात को, कहीं पर भी ये नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी फीस दे दो, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं कि आपके ऊपर फोकस करे, आपसे प्रैक्टिस करवाए, आपसे प्रोजेक्ट फाइल लेकर के एक एक फाइल सबकी चेक करे। कोई नर्सरी केजी के या टेंथ या हाई स्कूल का कुछ कोचिंग थोड़ी ना हम लोग चला रहे हैं कि आपके हम एक एक कॉपी चेक करेंगे। अरे हमने बता दिया, आपने सुना, प्रैक्टिस करना है करो नहीं तो जाओ, ऐसा ही तो होता है ना, यही तो माइंडसेट होता है। ये जो एक वीक हम आपको दे रहे हैं ना, होप हम इसी वीक में, इसी एक ही वीक में आपको 10-10 क्लास कंप्लीट करा सकते थे, उसका कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो जो पूरा वीक हम दे रहे हैं इसका यूज करो, इसको यूटिलाइज करो। एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर 100-100 सवाल होने चाहिए कि लास्ट टाइम में हमने ये चीज बताई थी, ये हमने पढ़ाया था और उसके ऊपर देखिए ये समझ में नहीं आया, आपको क्या ये इजी लग रहा है इस तरह की मार्किंग करना? ये मार्किंग करना इजी है, आसान है, ये सब मार्किंग करो ना। मुश्किल होता है, अब हमने ये वाली मार्किंग कर ली है, इसके ऊपर प्राइस किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, क्या मूव दिखा रहा है। प्राइस यहां पर आया, ऊपर चला गया, अगेन ऊपर, फिर से नीचे, देखिए मूवमेंट दिखा रहा है, फिर से ऊपर, फिर से प्राइस नीचे। लाइंस ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लाइंस के ऊपर प्राइस किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, लाइंस के ऊपर प्राइस किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, इस चीज को देखना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, यही तो सबसे टफ काम होता है ना। नींद आ जाती है, आप सो जाओगे बैठे बैठे। तो जब प्रैक्टिस करने की बारी आ रही है, जब अभ्यास करने की बारी आ रही है, तो आप सो रहे हो, लेकिन ट्रेड लगाते समय सारे चक्षु खुल जाते हैं। अच्छा क्लास पे तो हमको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, जब प्रैक्टिस करने का टाइम था तब नींद आ रही थी, एक्चुअली नींद आ रही थी, है ना। तो अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन अपना काफी दूर है, उसके पहले हम आपको वार्न कर रहे हैं, ये जितने भी लेवल्स हम दे रहे हैं ना, इन लेवल्स से ही हम आपको ट्रेड करवाएंगे आगे चल करके।
एक एक चीज, एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कई लोगों को हमने बताया है, समझाया है, ये चीज अगर मिस कर दोगे तो हो सकता है आप ट्रेड एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ, तो उस नौबत तक मत आने देना। तो जितनी भी लाइंस हम बता रहे हैं आपको ड्रॉ करने के लिए, ये लाइंस डालो चार्ट के ऊपर, है ना, चार्ट के ऊपर लाइंस डालो और देखो कि मूवमेंट क्या होता है। कोई भी चार्ट हम लोग, अब जैसे ये तो जीएमटी का चार्ट है, ये तो चल रहा है, तो रनिंग है। इसके अलावा हम लोग इक्विटी कमिट की जाते हैं। सर एक्चुअली मैं आरजीएम थोड़ा कर रहा हूँ कि सर जो मार्किंग हम कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे कि लास्ट बेयरिश या बुलिश कैंडल को, तो सर आई थिंक कि थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि मतलब लो टाइम फ्रेम में लो नॉइज थोड़ा ज्यादा होता है, तो हायर टाइम फ्रेम में मार्किंग थोड़ा इजी हो सकता है। तो हाँ, सर आसान होगी। ओके, तो मतलब मेरा क्वेश्चन था कि ट्रेड जिस टाइम फ्रेम में कर रहे हो, मार्किंग वो टाइम फ्रेम में करना चाहिए या हायर टाइम फ्रेम भी कर सकते हो? हायर हायर पर करके फिर लोअर पर आना चाहिए। ऐसा ऐसा ठीक है ठीक है। सर अभी बाकी स्टॉप लॉस खा का रहा है, देखिए बोला हाँ, सॉरी, सर अभी स्टॉप लॉस खा रहा है मार्केट। हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके श्रीकांत सर, राकेश राकेश जी माइक म्यूट कीजिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था सर कि जी बैंक हाँ, निफ्टी में कितने टाइम फ्रेम का चार्ट मतलब ये करना होगा, डे डे और 5, डे और 5 मिनट? हाँ डे और 5 मिनट। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था सर, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो लास्ट से जो फिफ्थ स्विंग है सर, लास्ट से फिफ्थ, उस पे आपने कोई ये ड्रॉ नहीं किया है, लाइन ड्रॉ नहीं किया है? हाँ लास्ट से फिफ्थ, हाँ ये वाला थोड़ा सा और लेफ्ट 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 और एक लेफ्ट, हाँ इस, हाँ उसके बीच में, इन दोनों के बीच में सर, हाँ इसमें, इस पे आपने कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया सर? एक जोन में है ना, यहां पर एक लो लगा देने के बाद में मार्केट से ऊपर चली गई, ये वाला जो लो लगा है ना, हाँ ये वाला जो यहां से सीधे ऊपर चली गई, तो अभी प्राइस ने ना तो इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया, ना तो इसका लो ब्रेक हुआ, ना इसका हाई ब्रेक हुआ, अच्छा, तो जोन में रहेगा तो लाइन ड्रॉ नहीं वो करना साइड में रह जाएगा ना। है, जब हाँ हायर 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 लो बनेगा तो ही लाइन ड्रॉ करना साइड में रह जाएगा। है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, आई होप सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन साथ और था, जब मीटिंग एंड हुई थी अपनी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अनिल साहब, सर जी, ये इसी चार्ट में पीछे में एक हाई लो बन रहा है, उसको क्यों नहीं मार्क किया हमने? कहाँ पर? ये अपना सेकंड स्विंग के पास में सेकेंड, ये वाला ऊपर में, ऊपर में सर, इसके ऊपर जस्ट ऊपर, जी सर, यहाँ पर, बैक से, बैक सर, बैक सर, बैक सर, और बैक एक, हाँ यहाँ पर सर, बीच में ही सर जो आपने खोला था, हाँ जी, ये वाला, यहाँ से भी तो लो बन रहा है सर एक, और ऊपर हाई बन रहा है। तो इसको मार्क तो किया ना। नहीं सर, भाई हाई लो जैसे आपने ये जिगजैग बनाया ना, तो इसका भी तो जिगजैग बनेगा ना सर? मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तो बात नहीं करें, जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है, अच्छा जी, ये एक ओवर है। देखिए दो चीजें होती हैं अनिल साहब, जी एज एग्जांपल आप तो समझते हो उस चीज को। देखिए जैसे कि एक मदर कैंडल बन गई, ये वाली, अब कई बार आपने जी देखा होगा मदर कैंडल के अंदर भी मदर कैंडल फॉर्म हो रही जी है ना, और फिर प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर प्राइस हमारा नीचे गिर जा रहा है। तो देखिए है तो ये एक मदर कैंडल, ये वाली, लेकिन इस मदर कैंडल के अंदर भी कई सारी मदर कैंडल फॉर्म हो गई है जी ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि प्राइस में जो बड़ी बड़ा फॉर्म जिसका है ना, हम उसको ही कंसिडर करें। इंटरनल स्ट्रक्चर्स कई बार हमें ट्रैप कर जाते हैं, ओके सर, तो बस यही रीजन है, बाकी और कोई नहीं।
जी, तो अगर सर ये थोड़ा सा भी ऊपर निकल जाता तो इसको मार्क करते, ऊपर कौन सा? वहीं पे सर जो बड़े वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर इसके बिक प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बिक को थोड़ा सा भी ऊपर क्रॉस कर देती तो मार्क हाँ, तब करते मार इसको। देते हैं, तब डाल देते लाइन, जी सर, तब कर देते हैं। रोहित जी, माइक म्यूट कीजिए। जी सर, हेलो। जी रोहित साहब, बोलिए। हाँ, इसको स्टॉक में किस टाइप से यूज़ करना है? और मेरा डाउट ये है कि जैसे कि चार्ट ऑलरेडी बन गया है, आज का डे कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसको प्रीवियस मतलब करंट करंट चार्ट पर इसको प्रैक्टिस करना है, या जो प्रीवियस बन गए उन पे भी प्रैक्टिस करें? बताइए हमें किसी एक चार्ट का नाम बताइए। सर, ITC ले लीजिए फॉर एग्जांपल। ITC का मूव बड़ा दबा हुआ चल रहा है आजकल। सर, TCS या इन्फी? मज़ा नहीं आ रहा ITC में। हाँ, TCS ले लीजिए, TCS अच्छा है। ओके, इसमें जो मार्किंग करना है वो डे पर करना है, फिर 5 मिनट पर आना। हाँ, डे पर करेंगे और 5 पर करेंगे। ओके डेली टाइम फ्रेम पर हम आ गए, और डेली टाइम फ्रेम पर ये बस याद रखना, जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखे आप कुछ बताए थे शुरुआत में, सबसे पहले के ये वाले याद है ना, हाई लो, यस सर, यस सर, ये प्राइस नीचे की तरफ हमारा जा रहा है, इस तरह के जो मूव हो रहे हैं। ओके। ये वाले जो एरियाज होते हैं, इनके जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं, मार्किंग सिर्फ इन्हीं की जाती है। मेथड्स होते हैं, देखिए टेक्निक्स होती हैं कई सारी, आगे चल करके हम जो आपको टेक्निक्स बताएंगे उसमें हो सकता है कि प्राइस जब आपका अपसाइड की तरफ जा रहा हो, मतलब कि जब ये रैली दिखा रहा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टॉपेज बनते हैं, वो मार्क होते हैं, उनके मार्क करने की टेक्निक अलग है। ये जो टेक्निक है ये आपके हमेशा स्विंग्स को मार्क करती है, स्विंग्स में एक बहुत अच्छा एरिया दे देगी बना के, ये जो सर्कल्स आप देख रहे हो ना इसको। तो इस हर टेक्निक का अपना एक बेनिफिट होता है और हर टेक्निक का अपना एक माइनस पॉइंट होगा। इसमें क्या है, मार्किंग बड़ी कम होंगी आपकी, आप कंफ्यूज कम हो गए, और जो मार्किंग होगी बड़ी स्ट्रांग होगी। बट एक जो इसका माइनस पॉइंट है, हो सकता है आपको ट्रेड के लिए वेट करना पड़ जाए थोड़ा, लेकिन जब मिलेगा बड़ा बेहतरीन ट्रेड मिलेगा आपको। अब जैसे टीसीएस है, टीसीएस में हम लोग स्विंग मार्क करें, तो देखिए प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा ना, यहां से इस जगह से नीचे की तरफ आके यस सर, बन गया है चार्ट, बन रहा है मतलब नहीं है उससे, प्राइस नीचे की तरफ आया, यहां पर ये ग्रीन कैंडल है, ओके, ये ट्रेडिंग पॉइंट बन गया आपके, ट्रेड इसी जगह से करना होगा और कहीं से नहीं। चाहो तो एक ओके लाइन फिल्टर कर दो, अभी इस वीक में कोई फिल्ट्रेशन मत करना, हाई और लोज दोनों मार्क करना। जब प्राइस आपका, जब भी प्राइस आपका इस वाली लाइन पर आ रहा है, बस ये देख लो कि यहां पर प्राइस के मूवमेंट किस तरह के बन रहा है, एकदम जिसको बोलते हैं बिल्कुल स्मूथ प्राइस एक्शंस। एक आपको वो जगह मिल जाएगी जिस जगह से बैठ करके आप सारा तमाशा देखोगे। ये नहीं है कि चार्ट के ऊपर कोई मार्किंग ही नहीं, कोई लाइन ही नहीं है, ना ही हमें लाइन मार्क करनी आती है, लीजिए कुछ भी नहीं है। अब चार्ट को जब हम आपसे बोलेंगे रीड करने के लिए तो शायद अब मुश्किल हो, लेकिन मालूम है कि एक ये लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन, अब पढ़ो आप। 250 से ज्यादा स्टॉक्स हैं FNO के अंदर, यस 50-50 के स्टॉक्स वगैरह मिले, 250 से ज्यादा। आप यकीन मानो रोज 20 चार्ट आपको दिखेंगे ऐसे, उस 20 में से दो चार्ट अपने काम के ढूंढ लो, बाकी सबको छोड़ दो। 20 में से दो चार्ट ढूंढना मतलब अगर आपने ऐसा काम ये कर लिया, 80% मेहनत आपकी खत्म हो गई। अब जो 20% बचा उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस डाल दो, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट डाल दो, प्रॉफिट ही होगा, समझ गए ना? बस यस सर, ये मार्किंग करके दो आप हमको, डेट ओके पर आओगे और लोअर लो पर मार्किंग करोगे। ये हमने जस्ट एग्जांपल दिया, अभी इसके ऊपर कई सारी मार्किंग्स पड़ जाएंगे। एक हाई लगा, देखिए
ये पॉली लाइन का हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग ऊपर, जब आप जाओगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पर ही पोजिशन आएगी, ब्रश हाईलाइट सर्कल वगैरह सीधे नीचे पॉली लाइन आ जाएगी, है ना। इसको डिलीट कर दे। अब देखिए कहीं से भी हम लोग उठा लें, लाइक चलो यहाँ से ले लिए हाई हाई हाई, फिर यहाँ से सीधे प्राइस हमारा अभी तक इसका हाई नहीं बना है, है ना, अभी तक कोई हाई नहीं बना है, मतलब प्राइस अभी कंटिन्यू है ऊपर की तरफ, कंटिन्यू है, इसने रेजिस्टेंस मार दिया है। अब यहां से हमें जो इसका टारगेट दिख रहा है, क्योंकि ये हाई है इसका, अभी लो के नीचे कोई भी कैंडल आई नहीं है, अभी पूरा बुलिश है, टीसीएस पूरा बुलिश है, मे भी हो सकता है 3600 के लेवल तक चला जाए आपका, हाँ क्रॉस कर सकता है 3600 के लेवल टच कर जाएगा, ये डाल दो लाइन यहां से, मारो ना ट्रेड मारो, प्राइस वहां से ऊपर से नीचे की तरफ आया है, हाई लोस सब रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक कैंडल के थ्रू आगे के जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स के होने की जगह मिल जाती है हमको। एक्सपेक्टेड है कि प्राइस में अगर अप मूव आना है तो यहीं से आना है, और अगर प्राइस को नीचे की तरफ गिरना है तो यहीं से गिरना है, हम लोग रेडी हैं, हमें यह नहीं मालूम है प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमें यह मालूम है यहीं से जाएगा। अगर इतना ही मालूम पड़ गया तो बहुत सारा काम हो गया ना अपना। जी सर, बस प्रैक्टिस करिए, लाइन डालिए, देखिए जो भी लाइन आप चार्ट के ऊपर रख रहे हो प्राइस कैसे वहां पर रिएक्ट कर रहा है। ओके सर, रोहित साहब माइक म्यूट कीजिए। रोहित जी बोलिए। यस सर, मेरा डाउट हो गया क्लियर, अभी मैंने ही आपसे आस्क किया था खुद से। ओके ओके, श्रीकांत माइक म्यूट कीजिए अपना। श्रीकांत जी सर, ये टीसीएस में अभी करंटली टू अप टू हाई फॉर्मेशन बन रहा है, थोड़ा देखिए। सो करंट जो टू अप टू लो, लास्ट फोर कैंडल्स है, लास्ट फोर वाले। तो हाँ सर, हाँ सर, और एक बात है कि मतलब आप ये भी बोले थे कि जब भी वॉल्यूम कंटिन्यूअसली 2 दिन मतलब डाउन रहेगा तो नेक्स्ट डे शायद लोअर बना सकता है, मतलब लो मूव दे सकता है, तो आई थिंक पुल बैक एक हो सकता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुल बैक। हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी सर। ऐसा पुल बैक का कुछ मतलब एरिया होता है क्या, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जगह के लिए मतलब ये जगह तक पुल बैक हो सकता है? टेक्निक्स हैं देखिए कई सारी, एक तो सबसे पहले तो आज सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस इन जनरल। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस क्या, अच्छा ये एक्सपीरियंस तक पहुंचना कैसे होगा, तो कुछ टूल्स की हम लोग मदद लेते हैं। जो आपने क्वेश्चन किया ना कहाँ से आ सकता है, फिबोनाची का एक लेवल डाल सकते हो आप पहला, okay. सबसे जनरल मतलब बच्चों की तरह है वो। दूसरा आप कैंडल्स को मार्क करने के जो हम तरीके आपको बता चुके हैं और जो बताएंगे और जो बता रहे हैं, okay.
उन कैंडल्स की मार्किंग की आप मदद ले सकते हो, दो हो गए। तीसरा होगा नेचुरल नंबर्स ले लो आप, नेचुरल नंबर्स सर, सम नंबर्स, आई मीन राउंड नंबर्स, राउंड नंबर्स, ओके उसको ले लो तीन। चौथा, हर स्टॉक के अंदर, सभी स्टॉक्स में नहीं, मतलब ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर ओआई डाटा मिल जाएगा आपको, ओके। टीसीएस का ओआई कितने पर है? शायद इनका ओआई मेरे हिसाब से 50-20 रुपए पर होगा, टीसीएस ओआई डाटा सबसे ऊपर ही आ जाएगा ऑप्शन चेन, यहाँ पर सबसे देख लीजिए आपका 28-25 और 28-45 पर है, यहाँ पर क्या है 25 और 45 35-40 35-45 3560 3565 3520, मतलब ऊपर आपका 3500 3525 3540, ये क्या है 3545 पर भी लगा हुआ है, 3560 3565 3585। कुछ कहानी चल रही इनकी, इनका ऊपर नीचे है। दूसरा आपको दिखाते हैं, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है 25-20 25-40 60-80 400, यहाँ पर कितने कितने का गैप आपको दिख रहा है? टीसीएस 2020 का है ना, 2020 रुपीस पर मार्किंग डाल लो, ओके। रिलायंस है, अब इनका 2300 रुपए, हाँ 2300 पर तो होगा ही, ये देखिए 2300 पे बड़ा हुआ है, और 2300 पर है, इसके बाद में आपका 2320 पर है, लाइन डाल दो आप, हमको ये देखना है कि रिवर्सल्स कहाँ पर आ सकते हैं, तो 2300 डाल दो, 2320 डाल दो, 20-20 रुपए पर आप लाइन डाल दो बस। एक्सपेक्टेड एरिया मिल गया आपको, ओके बस यहां से अगर कोई स्टॉक आपको ट्रेड करना है, आपके पास वो क्या बोलते हैं लोअर लो वॉल्यूम्स मिल रही हैं, अगर ट्रेड मारना है तो आप देख लो इन सारे टेक्निक्स। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपका प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये हमने सब कुछ बता दिया आपको, ये समझ लीजिए कि जो एक एक्सपेक्टेड एरिया होता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, वो सारी चीजें हमने बता दी। टीसीएस को देखिएगा, हालांकि टीसीएस नहीं, ये अभी नहीं, ये आगे चल करके बताएंगे, ठीक है, अभी इतना देखिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर। गोरख साहब माइक म्यूट कीजिए। हेलो जी गोरख साहब, बोलिए सर। नमस्ते, नमस्कार। जो आपने लास्ट वीक में ट्रेनिंग हुई थी उसके बारे में मुझे सवाल था। हाँ बताइए। स्ट्रक्चर तो बजाज ऑटो में 10 तारीख को जनवरी में कुछ फॉर्मेशन ऐसा बना था बजाज ऑटो में, उसका बात का जो लोअर लो वॉल्यूम होना चाहिए वो सिमिलर था, तो क्या वैलिड में वैलिड हो सकता है वो पैटर्न 10 जनवरी स्टॉक कौन बजाज ऑटो? बजाज ऑटो कहाँ पर, क्या कौन सा स्ट्रक्चर था? 10 जनवरी में टेन, टेन सर, हाँ टेन से फॉर्मेशन बनाए क्या, उससे ही है, उससे पहले भी लो वॉल्यूम है 9 तारीख को, तो हाँ तो 10 से वैलिड है क्या वो दोनों? हाँ, बाद का ले लेंगे तो बाद में दो दो सिमिलर बना है लो 182-81, हाँ ले लेंगे, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये सही है ना, लोवेस्ट लो
HDFC में एक सवाल था, दो सवाल थे, HDFC बैंक, उसमें मैंने प्रैक्टिस किया था पीछे का, लेकिन देख रहा था मैं 4/4/2022 अप्रैल, उसमें गैप अप हुआ था स्टॉक, परमिशन बना है लेकिन गैप अप है, तो वो भी जरा क्रॉस चेक कर, 4/4/2022 HDFC बैंक अप्रैल, इतने पीछे तो शायद हम जा भी नहीं पाएंगे, चार ना सॉरी चले गए, 4/4/2022 अप्रैल 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 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ओके अप्रैल मार्च अप्रैल 4th April 2022, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे सर स्टॉक जो बना है, मतलब कैंडल जो बनी है प्राइस की, वो थोड़ी स्टेप अप में बनी है, लेकिन फॉर्मेशन बना है नीचे। अच्छा अच्छा, तो गैप अप जो होता है ऐसा तो वैलिड रहता है क्या या कंटिन्यूसली कैंडल चाहिए? वैलिड गैप अप में हो सकते है, तो मार्किंग हाई लो कर सकते है, वैलिड है ना। अच्छा, इसका लॉजिक समझे नहीं समझे? नहीं वही तो सर, जरा कंफ्यूज था उधर, दो एक बना है ना बड़ी वाली। देखिए देखिए, यहाँ पर इन वॉल्यूम कैंडल्स का ये लॉजिक होता है कि आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा आपकी लाइन को रिस्पेक्ट करता हो, है ना। लास्ट टाइम देखिए मार्केट वहां ही थी, वहां से सीधे नीचे गिर गई, फिर वहां से नीचे गिर गई। हमें नहीं मालूम है कि लास्ट टाइम प्राइस यहीं से नीचे की तरफ गिरा, लेकिन हमने जो मार्क किया वो सिर्फ अपनी इस फॉर्मेशन के थ्रू हाईज को मार्क कर लिया। हमने देखा, घुमा करके देखा चार्ट, तो देख रहे हैं कि लास्ट टाइम भी मार्केट ने यहीं से मूव दिखाया था। अब आप खुद डिसाइड करो कि मार्किंग सही है या गलत। सही कह रहे हैं ना। यहाँ पर ये वॉल्यूम्स का कोई मैजिक नहीं है, जस्ट इसके पीछे का रीजन ये है कि ये वॉल्यूम की फॉर्मेशन आपको एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस या फिर एग्जैक्ट सपोर्ट तक पहुंचाने की बस कोशिश करती है। एक बार इसने हमें एक रेजिस्टेंस दे दिया, अब हम देख ले रहे हैं घूम करके पीछे कि हाँ यहाँ से भी गिरी, यहाँ से भी गिरी, इस वक्त भी मार्केट कहीं ना कहीं उसके पास में ही ट्रेवल कर रही है। सही है, बिल्कुल सही है। सर ये दो डाउट थे बस। थैंक यू। ओके वेलकम। चलिए तो अभी अपना चार्ट क्या कर रहा है, देखिए कहानी हो रही ना इसके अंदर। इसने सपोर्ट ब्रेक किया, ये वाले सपोर्ट्स ब्रेकआउट, जितने मास्टर लोग होंगे सब ने ट्रेड मारा होगा, गया। अभी सिर्फ एसएल हंटिंग हो रही है इसके अंदर। अगर इसको गिरना है ना तो ऊपर जाकर के यू नीचे से आएगा और ब्लू वेल लाइन को क्रॉस करके सीधे नीचे, वरना ये भी ये साइडवे रहेगा। आपने बोला ना कल दोपहर तक देखिएगा इसका जो होगा, अपने ये वाले लेवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इस वक्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, देखिएगा होता क्या इसमें, है ना। चलिए क्लास हम लोग यहीं पर आज ही खत्म करते हैं और कल की टाइमिंग हम आपको बता देंगे, तो कल वापस हम लोग मिलते हैं। जो भी चीज़ हमने आज बताई है बिल्कुल ये मत, मतलब जो भी हम बताते जा रहे हैं उसकी एक एक करके बस प्रैक्टिस करते रहो आप, है ना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, जल्दबाजी करो नहीं, आराम से बस काम करते रहो। इतने दिन हो गए यार मार्केट में ठीक है नहीं हो रहा कुछ, थोड़ा दो एक दो महीने और सही। राकेश मैं कम्यूट कीजिए। हाँ सॉरी सर, था मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं कंफर्म कर रहा था सर जस्ट कि सबसे पहले अपन को स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते जाना है, और जो स्विंग हाई रहेगा उसके ग्रीन कैंडल का मतलब हाई एंड लो मार्क करना है, और स्विंग लो में रेड कैंडल का करना है, राइट। लो पे रेड कैंडल, स्विंग लो में ग्रीन को नहीं देखना है, ग्रीन को देखना ही नहीं है स्विंग लो में, नहीं लो पे ग्रीन। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए, ऐसे बच्चों की तरह रटिए मत उसको। लॉजिक क्या रहेगा फिर इसका, आप बताइए ना, अभी बताया तो था हमने, भूल गए। लॉजिक तो ही बताया था ना आपने कि हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो उसके मतलब
रेड कैंडल का लो में मार्कर ये है हो गया और ना, ये तीन कैंडल्स हमारी बन गई और प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया, और फिर यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर की तरफ चली गई। तो सबसे लास्ट कैंडल मतलब प्राइस ने अप मूव दिखाने से पहले सबसे लास्ट ऐसी कौन सी कैंडल थी जिसमें इसमें सेलिंग हुई थी? प्राइस का अप मूव दिखाने से पहले सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल में फाइंड करनी होती है, क्योंकि ये लास्ट सेलर का पॉइंट बना था, यहां से मार्केट ऊपर चली गई। अब यहां से नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरेगी तो कोशिश हमेशा एक जो लॉबी होती है ना वो यही कोशिश करेगी कि प्राइस हमारा इसके नीचे ना जाए। इस वजह से मार्केट क्या करती है ना, बिल्कुल अपने लास्ट स्टॉपेज तक कोशिश करती है कि यहां तक होल्डिंग हो और अगेन यहां से ऊपर। ये रीजन है कि स्विंग्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या होता है ना कि नेकेडली जोन मार्क किए जाते हैं, यहां से लेकर के पूरा जोन मार्क कर लो। हाँ, ये जोन नहीं है, यहां पर आकर के हम एक कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको बता रहे हैं, वो ये वाली कैंडल। प्राइस में अप मूव दिखाने से पहले लास्ट बेयरिश कैंडल मार्क कर लो, डाउन मूव दिखाने से पहले लास्ट बुलिश कैंडल मार्क कर लो, आप देख लो कि प्राइस उस जगह पर करेगा क्या। वो बहुत अच्छा लेवल बनता है। ये लॉजिक है इसके पीछे का। और इनके भी सर जो बड़े ट्रेडर होते हैं मतलब FII लोग, इनके भी आपस में मतलब ये चलते रहते हैं क्या कि मतलब सब लोग एक साइड नहीं रहते हैं क्या कि मतलब नहीं ऊपर नहीं लेके जाते? नहीं 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 हर किसी से बड़ा सब जंगल राज है, पूरा चूहे बिल्ली की अच्छा, कहानी उनके भी मालूम आपस में कंपटीशन चलते है। रहते हैं। हाँ, HDFC बैंक अलग अपना हेज फंड है, ICICI बैंक अलग है, कोटक का अलग चल रहा है, किसी का और अलग चल रहा है। हमारे हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 50,000 हैं, तो हम आपस में लड़ रहे हैं। उनके पास 1 करोड़ है, तो जिसके पास 5 करोड़ है वो वहां से फाइट चल रही है। किसी के पास 100 करोड़ है, उसके पास 1,000 करोड़ है, तो वहां से चल रहा है, चलता रहता है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, जिसने एक 1 लाख क्वांटिटी या 10,000 क्वांटिटी या 50,000 क्वांटिटी मार दी है, मान लो ये तो बहुत छोटी, 10,000 50,000 क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी क्वांटिटी मार रहा है वो कोई बहुत बड़े टारगेट के लिए थोड़ी ना रुक रहा है। 1 रुपया 2 रुपया लेगा उसका हो गया, वो काम खत्म, वो बाहर। पे बैंक भी करती है क्या ट्रेडिंग? हाँ, सबके हेज फंड्स होते हैं अपने अपने। अच्छा, हमारा आपका पैसा लेकर के जाता कहाँ, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं कहीं, आप कुछ कुछ होते जो ट्रेडिंग में होते हैं। आपको नहीं मालूम है कि हमारे और आपके पास जो न्यूज आती है वो लेट आती है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, लिख तो आती है, मतलब हम लोग को बाद में इसके पता चलता इसके है। पहले कहाँ जाती है सब? जिसके पास सोर्स है उसके पास पहली न्यूज आती है। और आज के टाइम में क्या है, ये डिजिटल एक तरह से युग है अपना, यहाँ पर पैसे वाला वही है जिसके पास सबसे पहले खबर पहुंच गई। सर, और एक चीज और सर, जैसे आप ये बता रहे थे कि अभी जो चार्ट चल रहा है ऊपर जाएगा, तो ऐसे तो फिर आदमी कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्यों नहीं मतलब करेगा? जैसे मान लो आपको एक्सपीरियंस है तो आपने बोल दिया, लेकिन यदि मैं रहता तो मैं तो यही देखता ना कि लो ब्रेक कर रहा है तो अब नीचे आएगा ये। नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। अभी मालूम है क्या हो सकता था, प्राइस यहां से नीचे निकला तो हो सकता है यहां से नीचे ही चला जाए, नीचे निकला हो सकता है यहां से नीचे ही चला जाए, फिर वो ऊपर नहीं जाता, फिर यहां पे हमारे जैसे लोग चूतिया बनते, हम बेवकूफ बन जाते। अच्छा, राइट है, लेकिन मतलब हमें मालूम है कि मार्केट प्रॉब्लम, हमेशा रिस्की रहता है। हाँ, मतलब रिस्क कहीं गेम है। बस लेकिन प्रोबेबिलिटी यही होती है। कोशिश हमने को क्या बोला ना कि कोशिश ये करो देखने की, अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट आप अगर नॉर्मली ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा रहे हो, है ना? हमेशा आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए ही मार्केट चलेगी, बस अपने स्टॉप लॉस को बचाना है और दूसरे को स्टॉप लॉस लेना है। ये भी हमने बताया कि इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं, अभी तो हम लोगों को सबसे पहला लेवल ही क्रॉस करना है जो कि अपने टेक्निकल का है, तो अभी इसके ऊपर बस दिमाग में डाल लीजिए कि हाँ एक ये भी स्टेप है जिसको कि हमें पार करना है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें जो कि हमें वो भी देखनी है। अभी से इसके पीछे हाथ धोकर मत पड़ जाइएगा। अनिल साहब माइक ऑन। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे सर। एक तो था जैसे हमने ये वॉल्यूम के साथ में मार्किंग कर रखी है और प्राइस स्मॉल रेंज में चल रहा है, उसके बाद फिर
फिर उसने रेंज अपनी बढ़ा दी है, तो दोनों मार्किंग वैलिड रखेंगे या कैसे करेंगे उसको? कॉम्प्लिकेट सवाल है ये, कल देखते हैं इसको, ठीक है जी, है ना, कल याद ये रखिएगा दूसरा मुझे। सवाल भी कल ही कर लेंगे फिर। सॉरी, मैंने कहा जी दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी फिर कल ही समझ लेंगे फिर। हाँ कल कल देते हैं फिर। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जी होता क्या है ना कि अब मान लीजिए आपके ये एक लाइन है, हम देख रहे हैं कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। जी जब तक ब्रेक कर दिया तब तक तो मजा आ रहा है, लेकिन प्राइस फिर ऊपर चला गया। अब हम क्या करें, क्या हम अपनी लाइन को एक्सटेंड करें या फिर हम प्रीवियस लाइन के थ्रू ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें? यही तो क्वेश्चन है ना आपका, जी 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 है ना? कल इसको देखते हैं हम लोग। जी ओके, गुड नाइट सब लोगों को, और ये चार्ट और ये मार्किंग अपने पास सेफ रखिएगा। इसको देखिए क्या कैसा होता है, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, गुड नाइट सभी लोगों को, कल मिलते हैं हम लोग।